चुनावी माहौल चरम पर है और 3 नवंबर को मतदान होना है। ऐसे में कांग्रेस का जनसंपर्क लगातार जारी है। बारूली गांव में पूर्व पार्षद सोनिया शुक्ला ने नुक्कड़ सभा ली और सभी से कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद की जीत के लिए वोट मांगे। आयोजन में मौजूद अहमद नूर पटेल, मामराज जायसवाल सहित कई लोगों ने कांग्रेस नेत्रियों का स्वागत किया। जानकारी देते हुए कांग्रेस नेता पेपर पटेल ने बताया कि लोकतंत्र की हत्या करने वाले भाजपाइयों को जनता सबक सिखाएगी और आने वाले 3 तारीख को कांग्रेस की विजय के लिए मतदान होगा और तय करेंगे। 2012 में भी उनने ये वादा करा था कि नर्मदा की लाइन डलवाएंगे और 2020 में भी वही लोग आके कह रहे हैं कि नर्मदा की लाइन डलवाएंगे। तो वही झूठ जो उन्हें 2012 में बोला था, आज वही झूठ ये 2020 में बोल रहे हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आपको किसे जितवाना है, उन लोगों को जो झूठ बोल के जो पैसे की सरकार बनाते हैं, उस इंसान को जो हमेशा आपके लिए उपलब्ध रहेगा, आपकी समस्याएं समझेगा और आपकी मदद करेगा। 3 नवंबर को मतदान में आपको इस बात का फैसला करना है कि जो इंसान ने आपके विश्वास को बेचा है, आप उसे विजयी बनाएंगे या वो इंसान को बनाएंगे जिसने आपके विश्वास को रखा है और हर समय आपके साथ उपलब्ध रहा है। समय हम वोट दे के सरकार बनाते हैं, लेकिन पहली बार इस जगह पे इन लोगों ने नोट से सरकार बनाई है। तो हमें नोट की सरकार को गिराना है और वोट की सरकार को बनाना है। आप नारी शक्ति है जी, अभी आपने उद्बोधन दिया है, हाँ। बीच में किस तरह से देखते हैं, किन किन मुद्दों को लेकर क्या समीकरण है महिलाओं के लिए? महिला उत्पीड़न जो हो रहा है उस पर भी कांग्रेस का पहले भी उत्पीड़न के लिए उन्होंने केंद्र बना रखे थे और वो सलाहकार समितियां जो भी बनी थी वो महिलाओं के लिए फायदे में रहेगी सब, और महिलाओं की रक्षा के लिए जैसे हाथरस कांड अभी जो हुआ, और महिलाओं का हमेशा कांग्रेस में सम्मान मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि गुड्डू भैया यदि आएंगे तो महिला और नारी शक्ति के लिए बहुत कार्य करेंगे। आप लोग लगातार प्रचार कर रहे हैं, क्या देखा आपने ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं किन किन तकलीफों से गुजर रही है और कांग्रेस सरकार अगर आती है तो क्या किस तरह से इनकी तकलीफें दूर होंगी? ग्रामीण में महिलाओं को अभी भी कई जगहों पर मैंने देखा कि पानी की भी प्रॉब्लम आ रही है। वो कहते हैं तुलसी सिलावट जी आते हैं वोट लेने के लिए, अब हम इतने दिनों से मतलब उन्हें वोट कर रहे थे, उन्होंने हमारी कोई मदद नहीं करी, और अभी बीजेपी की भी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने भी हमें कोई ये नहीं किया सहयोग। आपका परिचय? सरला मंडलोई, जनपद उपाध्यक्ष, इंदौर। मतदान होने को मुश्किल से 3.5 दिन बाकी है, अभी किस तरह से देखते हैं आप इस चुनाव को प्रचार? माहौल बहुत बढ़िया है और सच की हमेशा जीत रहती है, झूठ ज़्यादा दिन तक रहता नहीं है। अभी तक बहुत सब में उतार चढ़ाव हो रहे थे, कंफ्यूजन हो रहा था कि कल को जो कांग्रेस में थे बीजेपी में चले गए, तो मैंने पूरा क्षेत्र का दौरा किया, समझा जो बीजेपी के भी कार्यकर्ता हैं जो इतने टाइम से अपना समय दे रहे थे, उनके साथ भी कितना अन्याय हुआ। क्या सिंधिया जी को ले लिया, सब पूरा ले गया कि भाई तुलसी सिलावट को जिताना है, तो बाकी लोग क्या करेंगे? आज उनने अपनी माँ को भेज दिया, उनके साथ धोखा करके दूसरी पार्टी में चले गए, उनका कोई अस्तित्व नहीं, कोई आधार ही नहीं। तो माहौल तो पूरा कांग्रेस के पक्ष में है, कमलनाथ जी के पक्ष में। कमलनाथ जी ने किसानों के लिए सोचने के साथ तुरंत चुनाव मतलब होते ही मतलब डिक्लेयर हुआ नहीं कि काम करना चालू कर दिया, और प्रेमचंद गुड्डू जी को ऐसे जाबाज नेता को यहाँ का उम्मीदवार चुना जिन्हें 13 दिन के अंदर चुनाव जीता है। मैंने भी उनके साथ खूब काम किए हैं, उनको देखा है, बहुत जाबाज नेता है, मैं उनके तहे दिल से इज्जत करती हूँ, भगवान से ईश्वर से कामना करती हूँ और आप लोग की यहाँ की सावेर की जनता से उम्मीद करती हूँ, उम्मीद नहीं मुझे पूर्ण विश्वास है गुड्डू भैया जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। धन्यवाद। जय जय कमलनाथ। मैं सोनिया शुक्ला, पूर्व पार्षद। किस तरह का आयोजन है, कौन अतिथि आए हैं और क्या रहा? आयोजन बहुत अच्छा हुआ और जो जितने भी लोग आए हैं, जितने मातृशक्ति है, बुजुर्ग है, युवा है, सब जोश से आए हैं और किसी को कोई लालच देके नहीं बुलाए हैं, सब अपनी मर्जी से आए। और अतिथि में हमारे भाभी जी पूर्व पार्षद है, सोनिया शुक्ला जी है, और राजेश यादव जी है, पूर्व सरपंच हेमंदूर पटेल जी है, और बहुत सारे साथी है, वो हमारे लक्ष्मी नारायण जी है, संजय सिसोदिया जी है, उप सरपंच मामराज जयसवाल जी है, राहुल भाई है। किस तरह की तैयारियां हैं बूथ स्तर पर कांग्रेस की? बूथ स्तर पर बहुत अच्छी तैयारी है और सभी युवा और वरिष्ठ सभी लोग लगे हुए हैं हर बूथ पे,
और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं ईमानदारी से। कौन सा गांव है ये? बारूली गांव है। आपका परिचय? मैं बेपर पटेल, उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस समिति इंदौर।